गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो अपन ने किया था वो कौन सा पार्ट चल रहा था? अपना समिंग, स्केलिंग और एवरेजिंग वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा उसमें इनका समिंग किस प्रकार होगा, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये देखिए, इसमें जो सर्किट डायग्राम आया था वो किस प्रकार का आया था, यानी कि अपन ने क्या लिया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो पार्ट लिया था, ठीक है। उसमें तीनों पार्ट क्या, तीन इनपुट वाले पार्ट थे और कि एक क्या था, आउटपुट के रूप में रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। तो इसमें समिंग, स्केलिंग और एवरेजिंग तीनों वाले पार्ट इसी के अंदर आ गए थे, ठीक है ना। लास्ट में जो रिलेशनशिप आई थी वो रिलेशनशिप क्या आई थी, वी नोट के रूप में रिजल्ट क्या आया था, माइनस आर एफ, कितना आया था, वी ए अपॉन आर ए प्लस वी बी अपॉन आर बी प्लस वी सी अपॉन आर सी। ये अपने पास क्या आया था, रिलेशन प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। लास्ट में जो अपने पास रिलेशन प्राप्त हुआ था वो वाला पार्ट कौन सा था, ये था। फर्स्ट देख रहे हैं समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो इनकी एप्लीकेशन है अपन देख रहे हैं उसमें फर्स्ट कौन सी है, समिंग एम्पलीफायर की है, ठीक है ना। इसमें देखो अलग अलग वोल्टेज थी, इनपुट वी ए वी बी वी सी, उनके लिए जो प्रतिरोध का मान था कितना था, आर ए आर बी आर सी, ठीक है। इनमें देखिए, यदि आर ए आर बी आर सी का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है ना। आर ए आर बी आर ए आर बी इक्वल टू आर सी आर हो जाए, ठीक है ना। आर ए आर बी आर सी तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस जो दे रखे थे उनके मान क्या हो जाए, अपने पास इक्वल हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है, ठीक है। आर ए आर बी आर सी इक्वल टू क्या हो जाए, आर हो जाए, तो इस वाले पार्टों को अपन क्या कहेंगे, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है, ठीक है। इसमें वी नोट कितना आ जाएगा, मानक दो, देखो R R R, तो R अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बार भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस R F अपॉन R V A प्लस V V प्लस V C, ठीक है ना। ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए, ठीक है। इफ़ आर ए आर बी आर सी, यानी कि दो तीनों जो अपने पास रेजिस्टेंस थे वो किसके बराबर हो जाए, आपके किसी एक के इक्वल हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा, वी नोट बराबर कितना आया, माइनस आर एफ अपॉन आर आ जाएगा, इंटू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी के रूप में अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, समिंग एम्पलीफायर था। अब इसमें भी अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन, यदि इफ नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन अप्लाई करें, इफ आर ए आर बी आर सी कितना मान लिया, आर एफ मान लिया, देन क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। पहले अपन ने क्या लिया था, आर ए आर बी आर सी तीनों पार्ट क्या लिए थे, आर के इक्वल लिए थे, और सेकंड कौन सा ले रहे हैं, आर ए आर बी आर सी तीनों क्या ले रहे हैं, आर एफ के बराबर ले रहे हैं, ठीक है ना। आर एफ के बराबर लेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर एफ आएगा, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट के रूप में क्या बचा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ठीक है। वी नोट बराबर कितना आया, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है,
नेगेटिव जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, जो इनपुट की जो समिंग थी वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ठीक है, उनकी क्या है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव वैल्यू के बराबर रहेगी, ठीक है ना। जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त होगी, सॉरी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी वो कितनी आएगी, वी नोट बराबर माइनस वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी, ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पे रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं, जब आर ए आर बी आर सी तीनों क्या हो जाए या आर के बराबर हो जाए, तीनों क्या हो मान क्या हो बराबर हो जाए, देन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या है, क्या आएगा, समीकरण नंबर तीन के रूप में आ जाएगा। और इसे यदि आर ए आर बी आर सी क्या कर दे, आर एफ के बराबर कर दे, ठीक है ना, इसे क्या कर दे अपन आर एफ के बराबर कर दें, तो वी नोट कितना आएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस क्या इतना आ जाएगा आर सी के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है कौन सा आता है, स्केलिंग वाला, ठीक है, स्केलिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इस वाले में देखिए क्या रिजल्ट आता है, स्केलिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या रिजल्ट आएगा, यदि आर ए आर बी आर सी तीनों क्या हो एक दूसरे के इक्वल ना हो, ठीक है, तीनों पार्ट क्या रहेंगे एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो क्या रिजल्ट आएगा, तीनों पार्ट क्या है, जो इनपुट वोल्टेज थी वी ए वी बी वी सी इन पर जो रेजिस्टेंस आएंगे वो क्या हो डिफरेंस हो, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस क्या आ जाए डिफरेंस आ जाए, तो आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में आएगा। इफ आर ए नॉट इक्वल टू आर बी नॉट इक्वल टू आर सी, ठीक है, आर ए आर बी और आर सी तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तीनों क्या रहेंगे एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट के रूप में जो क्या आएगा, ये वाला पार्ट ही आएगा, देन वी नोट अपॉन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस आर एफ अपॉन आर ए वी ए प्लस आर एफ अपॉन आर बी प्लस आर एफ अपॉन आर सी वी वी प्लस वी सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। तो देन ये वाले जो पार्ट आएंगे वो कौन सी आ जाएंगी, स्केलिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पार्ट आएगा, ठीक है ना। कहने करते हैं तीनों जो वोल्टेज थी इनपुट वोल्टेज वी ए वी बी वी सी, ठीक है, इन पर जो रेजिस्टेंस होता है वो यदि क्या हो इक्वल ना हो, तीनों क्या हो डिफरेंस के रूप में हो, तो रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, वी नोट का मान कितना आएगा, माइनस स्टार्टिंग आ गया आर एफ अपॉन आर ए इंटू वी ए प्लस आर एफ अपॉन आर बी इंटू वी बी प्लस आर एफ अपॉन आर सी इंटू वी सी, ठीक है, ये अपने पास क्या आएगा, स्केलिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के रूप में रिजल्ट आ जाएगा। और थर्ड कौन सा था, एवरेजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है, एवरेजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। इस वाले में क्या होते हैं, यदि तीनों पार्ट आ जाए, इफ क्या हो आर ए आर बी आर सी तीनों का रेजिस्टेंस क्या रहे, एवरेज क्या रहे, आर रहे, ठीक है ना, तीनों की जो एवरेज वैल्यू प्राप्त कितनी हो रही है, आर प्राप्त हो जाए, आर ए आर बी आर सी तीनों की जो एवरेज वैल्यू कितने प्राप्त हो रही है,
आर प्राप्त हो जाए तो वी नोट के रूप में क्या रिजल्ट आएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर ए वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी। ठीक है, ये वाले पार्ट अपने पास प्राप्त हो गए। वी नोट बराबर माइनस आर एफ अपॉन आर ए वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी। ठीक है, अब देखिए आ गया। इफ नेक्स्ट वाले पार्ट के रूप में देखते हैं, इफ इसी के आगे आर एफ अपॉन आर ए का मान कितना हो गया, वन अपॉन एन मान लिया। ठीक है ना, ये एवरेज वैल्यू देख रहे हैं, आर एफ अपॉन आर की वैल्यू कितनी मान ली, वन अपॉन एन मान ली, जो संख्या वगैरह अपने पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो देन वी नोट कितना आ जाएगा, देन वी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन अपॉन एन वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, क्या रिजल्ट आ जाएगा, वी नोट बराबर माइनस वन अपॉन एन वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी। ठीक है, ये वाले पार्ट किसके रूप में आएंगे, जो एवरेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पार्ट था उसके रूप में आएंगे। ठीक है, तो समिंग यानी कि जो एप्लीकेशन आएगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, कितने आती हैं, तीन आती है, समिंग स्केलिंग और एवरेजिंग आएगी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम एक ही बना लेते हैं। ठीक है ना, जो सर्किट डायग्राम अपने पास आया था वो कौन सा था, इनपुट वाला पार्ट। ठीक है, इनपुट वी ए वी बी वी सी थे उसके साथ, और रेजिस्टेंस कितना था, आर ए आर बी आर सी के रूप में रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब देखिए ये तो उसमें क्या आ गया, वी नोट का मान अपन ने प्राप्त कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इफ आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी। ठीक है, उसके बाद समीकरण फर्स्ट क्या था, लास्ट का रिजल्ट था वी नोट का मान। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, समिंग स्केलिंग और एवरेजिंग वाले पार्ट। ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप देख लेते हैं, आर ए आर बी आर सी में क्या क्या रिलेशन आएंगे, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, या एवरेज वैल्यू दे रखी है, उन्हीं रिलेशनशिप से क्या आ जाएगा, समिंग। अब ठीक है, समिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर आ जाएगा यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो क्या आएगा, समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाएगा। ठीक है, और यदि तीनों डिफरेंस हो, एक दूसरे के बराबर ना हो, तो क्या रिजल्ट आएगा, स्केलिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि एवरेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या है, एवरेज वैल्यू देख लिया अपन ने, आर ए आर बी आर सी की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, आर ले ली। ठीक है, या माइनस जो आर एफ अपॉन आर आता है उसकी वैल्यू कितनी ले लिया अपन ने, वन अपॉन एन के रूप में ले लिया, तो वी नोट कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एन वी ए प्लस वी वी प्लस वी सी। ठीक है, ये किस में आएगी, एवरेज वैल्यू वाले पार्टों में आएगा। ठीक है, समिंग वाले पार्टों में आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी ये तो इक्वल था टोटलिंग, यदि इसी का मान आर एफ के बराबर हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, वी नोट का मान कितना आएगा, जो इनपुट वोल्टेज दे रखी थी उनकी जो टोटलिंग आती है उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर आती है, वी नोट का मान कितना आ जाएगा, आर ए सॉरी वी वी प्लस वी 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 ए प्लस वी वी प्लस वी सी के रूप में क्या आ जाएगा, टोटलिंग इनका रिजल्ट जोड़ लेंगे, और जो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस वाला पार्ट वो क्या आ जाएगी, इसकी वी नोट के रूप में टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके जो समाकलन अवकलन वाले पार्ट थे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन
वो वाले पार्ट आएंगे इसके अपने में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और लेजर के जो पार्ट थे उसकी पीडीएफ भी भेज दी गई है आपके पास, ठीक है ना। यदि वीडियो वगैरह में यदि आपको कुछ स्पष्ट ना सुनाई दे, ठीक है ना, कुछ समझ में ना आए, तो इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेजर, ठीक है ना। पेपर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है और जो लेजर वाला पार्ट है उसकी अपने पास अपन ने इसकी क्या दे दी पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दी है, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, नोट्स बनाते रहना भाई।